नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। रविवार को करनाल में किसान आंदोलन उग्र क्यों हुआ? आखिर करनाल के अधिकारियों की रणनीति कहां फेल हुई? क्या कोई सीनियर अधिकारी नहीं थे जो ऐसी रणनीति बनाते कि सब कुछ अच्छे से हो जाता? कहीं ना कहीं सरकार के सलाहकारों की भी रणनीति सही ना थी। जिस स्थान पर यह हंगामा हुआ, वहां के विधायक हरविंदर कल्याण उस वक्त कहां थे? क्या उन्हें आभास नहीं था? यदि था तो सही स्थिति से अवगत करवाकर सही रणनीति क्यों ना बना पाए? आप सभी को ज्ञात होगा कि जब भी सीएम का कोई प्रोग्राम होना होता है, उससे ठीक एक दिन पहले प्रशासनिक अधिकारी उस जगह का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेते हैं। अब सवाल यह उठता है, जब प्रदेश में किसानों का आंदोलन लगातार 46 दिनों से जारी है, तब भी सुरक्षा को लेकर प्रशासन और विधायक द्वारा पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? हाल ही में अंबाला में सीएम मनोहर लाल के काफिले पर किसानों ने डंडे बरसाए थे, जिसके बाद अंबाला के एसपी का वहां से तबादला कर दिया गया था। यहां यह मानना होगा कि इस घटना को उदाहरण ना मानते हुए प्रशासनिक अधिकारियों व विधायक द्वारा सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम को लेकर कोई सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं करवाए गए। क्या अंबाला वाली घटना यहां के अधिकारियों और विधायक के संज्ञान में नहीं थी? क्या विधायक जी और प्रशासनिक अधिकारी सीएम के कार्यक्रम को लेकर गंभीर नहीं थे? इस घटना को लेकर ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां सवाल यह भी है कि सीआईडी का तंत्र कहां था? किसानों को विरोध करना था तो शांति से भी किया जा सकता था, किंतु चूक कहां हुई? यह गहन चिंतन और मंथन का प्रश्न है। मनोहर लाल खट्टर एक व्यक्ति हैं, किंतु वो जिस पद पर बैठे हैं उसकी एक गरिमा है। क्या वो गरिमा रह पाई या स्थानीय प्रशासन उस गरिमा को रख पाया? करनाल के गांव कैमला में आयोजित किसान महापंचायत रैली को आंदोलनरत किसानों ने रद्द करवा दिया है। आंदोलनकारी किसानों ने हेलीपैड उखाड़ दिया व स्टेज को तहस नहस कर दिया। स्थिति को गंभीर होते देख सीएम रैली में नहीं पहुंचे। रैली में शामिल नेताओं ने मंदिर में घुसकर अपनी जान बचाई। आपसी टकराव के चलते कई लोग घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की प्रस्तावित रैली रद्द हो गई। इस दौरान आंदोलनरत किसानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर रैली स्थल पर हल्ला बोल दिया। आंदोलनकारी किसानों में स्थानीय किसानों के साथ साथ पंजाब व हरियाणा के अनेक क्षेत्रों से किसान पहुंचे थे। किसानों को रोकने के लिए 8 बैरिकेड व कई जिलों की पुलिस तैनात की गई थी। भारी पुलिस बल के होते हुए भी किसान खेतों के रास्ते रैली स्थल पर घुसने में कामयाब हो गए। रैली स्थल पर घुसते ही किसानों ने हेलीपैड की टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। जब बीजेपी वर्करों ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच टकराव हो गया। टकराव में कई किसान व बीजेपी वर्कर घायल हो गए। रैली में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद संजय भाटिया, इंद्री के विधायक सहित कई भाजपा नेताओं ने मंदिर में घुसकर अपनी जान बचाई। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित रैली को लेकर पहले से ही किसान दो फाड़ हो गए थे और आंदोलनरत किसानों ने चेतावनी दी थी कि वह रैली को बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। करीब 10:30 बजे टोल टैक्स बस्ताड़ा से आंदोलनरत किसान इकट्ठे होकर काले झंडे लेकर कैमला गांव की तरफ रवाना हुए। हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए किसानों ने 3 पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया, जबकि अन्य किसान खेतों के रास्ते से रैली स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान अनेक स्थानीय किसानों ने भी उनकी मदद की। इससे सैकड़ों एकड़ के गेहूं की फसल भी रौंद दी गई। आंदोलनकारी किसान ने कहा कि 26 जनवरी को वो दिल्ली में लाल किले पर झंडा लहराएंगे। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि वह 3 काले कानून वापस लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। बिगड़े हालात की वजह से मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत को भी रद्द करना पड़ा और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कैमला गांव में नहीं उतरा। बता दें कि किसानों की महापंचायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों से सीधा संवाद करना था। कार्यक्रम की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। किसान भी इस दौरान सीएम की इस महापंचायत का विरोध करने की चेतावनी लगातार दे रहे थे। यही वजह रही कि शनिवार को प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की किसान नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें अफसरों ने किसानों को चेतावनी दी थी
कि उन्हें शांतिपूर्वक धरने का अधिकार है, लेकिन यदि कैमला में किसान महापंचायत के दौरान किसानों ने कोई गड़बड़ी की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इस चेतावनी के बावजूद रविवार को हजारों की संख्या में किसानों का जत्था कैमला गांव रवाना हुआ। कैमला में जिस जगह सीएम की महापंचायत होनी थी उस क्षेत्र को पुलिस फोर्स ने 7 जगह नाकेबंदी कर घेर रखा था, लेकिन घरोंडा के आउटर इलाके से हजारों की संख्या में किसान कैमला की ओर बढ़ने लगे। किसानों ने पहला नाका तो तोड़ दिया, मगर दूसरे नाके पर फोर्स के साथ किसानों का टकराव हो गया, जिसके चलते जमकर बवाल हुआ। दूसरे नाके पर बवाल के दौरान किसानों का रेला आगे बढ़ता देख पुलिस फोर्स ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। 2.5 घंटे तक यहां बवाल चलता रहा, जिसके बाद किसान खेतों की ओर दौड़ने लगे और पुलिस फोर्स उनका पीछा कर उन्हें खदेड़ती रही। स्थिति बेहद ज्यादा तनावग्रस्त हो गई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। किसानों का काफिला अचानक कैमला में उस जगह पहुंच गया जहां सीएम का कार्यक्रम होना प्रस्तावित था। किसानों ने अचानक वहां पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया और वहां खूब हंगामा किया, जिसे देख आयोजकों ने भी वहां से भागना उचित समझा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात टीम ने हालात की समीक्षा के बाद कार्यक्रम को रद्द करने की सलाह दी, जिसके बाद सीएम मौके पर नहीं आए और कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। कैमला गांव में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले शुक्रवार को भी ग्रामीणों और किसानों में टकराव हुआ था। शुक्रवार की सुबह कार्यक्रम स्थल पर विरोध जताने पहुंचे किसानों को ग्रामीणों के गांव के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया था। दोनों ओर से भीड़ के आमने सामने होने पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। तनातनी और हाथापाई के बीच किसानों ने वापस लौटने का निर्णय लिया। तब जाकर अफसरों और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण कैमला गांव में किसान महापंचायत का आयोजन करवा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों से संवाद करना था। इससे नाराज किसानों ने शुक्रवार को भी विधायक के फार्म हाउस के घेराव की चेतावनी दी थी। किसानों ने प्रशासन को चकमा देकर कैमला गांव में सीएम के कार्यक्रम स्थल की ओर कूच कर दिया। दूसरी ओर पहले से ही तैयार ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो विधायक हरविंदर कल्याण के साथ वे किसानों को रोकने निकल पड़े। नाम प्रदीप है, गाँव जाएंगे। कहां के लिए निकले? कालेदान डेले के निकले हम कैमला गांव के लिए। प्रोग्राम है जो वहाँ उसका विरोध करेंगे पूरा। तो पुलिस जाने देगी आपको वहाँ तक? कहाँ जा रहे हो जी? और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कल हालांकि जो आंदोलनकारी थे उन लोगों से, उनके नेताओं से बातचीत वहां एडमिनिस्ट्रेशन की हो गई थी और उनके 12-13 लोग वहां आए थे। डिप्टी कमिश्नर और वहां के जो और अधिकारी है उनसे बातचीत करने के बाद एक सहमति बनी थी कि एक सांकेतिक विरोध हम करेंगे, लेकिन रैली में कोई किसी प्रकार का हम कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं करेंगे। उस बात पर विश्वास रखते हुए और प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की और आज मुझे वहां जब पहुंचना था तो उससे पहले रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लगभग 5,000 से ऊपर जनता थी और उस जनता के वहां पहुंचने पर सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित हुए। और खास करके जो कैमला गांव जहां पर ये रैली थी, पूरा गांव का गांव और सब किसान उसमें थे तो वहां उपस्थित हुए थे। लेकिन जैसा कल तय हुआ था उसमें से उन लोगों ने उस बात को, उस वादे को उल्लंघन करके, और कुछ लोग तो वहां रुके रहे जहां का तय हुआ था, लेकिन कुछ नौजवान उनके द्वारा चाहे उकसाए गए होंगे चाहे अपने आप आए होंगे, लेकिन उस वादे का उन्होंने उल्लंघन किया, निभाया नहीं। हमारे नेता जो भी मंच पर पहुंच रहे थे सब पहुंचे हुए थे। केवल मुझे वहां हेलीकॉप्टर लेकर उतरना था तो हेलीकॉप्टर पर वो पहुंच गए बड़ी संख्या में, जिसके कारण से
मैंने ये समझा कि क्योंकि लॉर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है निर्देश दे करके उनको और करनाल में उतारा। तो इसलिए कुछ समय के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका भाषण हुआ, शिक्षा मंत्री उनका भाषण हुआ, वहाँ जो विधायक हैं उनका हुआ और जो नेता वहाँ पहुँचे थे सबके भाषण हुए। वास्तव में जो हमने किसान को बताना था वो सारा संदेश उन किसानों को चला गया। आखिर तो हमने अपने विषय बताने थे वो बता दिए गए, वो मैंने बताने थे या हमारे बाकी नेताओं ने बताने थे, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन चौके गांव के ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और सुलाके के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएं करेंगे, मुझे करनी भी थी। अब ये ठीक है कि वो घोषणाएं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वहां से भी कर सकता हूँ, कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। उस इलाके के विकास के काम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मुझे जो वहां बतानी थी वो निश्चित रूप से फिर किसी मौके पर उनको बता दी जाएगी। और 3 प्रोजेक्ट्स उनका उद्घाटन था 47 करोड़ रुपए का, वो भी वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो कर दिया होगा नहीं तो फिर किसी मौके पर ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज के इस घटनाक्रम पर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है, जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य है उनको कभी रोका नहीं, उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। और उसमें तो बल्कि वहां पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहां वहां इतनी भीड़ है उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहां स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहां जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहां हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज वो उनको दी हैं। तो ये सारे काम वहां किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। देश ने आजादी प्राप्त की है और आजादी का जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमने व्यवस्था में व्यवस्था दी है उसका उल्लंघन ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने प्रयत्न किया 1975 में जब देश में आपातकालीन हुई, तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया, सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र की प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है। और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूं जनता को वह संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है, और इसमें से एक हमारे समाज को, समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है। क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, बोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीजों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊं तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और हम उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा, तो क्या मैं समाज का प्रतिनिधि हूं, जनता का प्रतिनिधि हूं, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं उकसाने के, सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं,
ऐसा मुझे नहीं लगता। पंचायती राज का अपना सिस्टम होता है, तो पंचायती राज में वहां के विकास की बात होती है, बाकी सब होती है। ये तो एक जनरल विषय है मैं समझता हूँ, अगर है तो ये केंद्र सरकार के नाते से विषय है। अगर केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो कोई विषय आएगा तो केंद्र सरकार में आएगा, अब इस समय कोई आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.